केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज बीकानेर पहुंचे, जहां नाल एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख और अर्जुन राम यहां बीजेपी के प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि सड़क और परिवहन के क्षेत्र में गत सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने बेहतर काम किए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में पाकिस्तान का पानी रोकने को लेकर नितिन गडकरी द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गडकरी जी का बयान सटीक है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। दोनों मंत्रियों से बात की संवाददाता संजय पारिक ने। परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज बीकानेर दौरे पर है, अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। मंत्री जी, अगर मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात की जाए तो आपका ये एक मंत्रालय ऐसा है जिसकी सर्वाधिक उपलब्धियां है वो गिनवाई जाती है, क्या आपके मंत्रालय ने बेहतर काम किए या और मंत्रालय है वो काम कर नहीं पाए? नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सारी सरकार ने जो परफॉर्मेंस किया है वो सारे देश के सामने है। मैं मेरे पर्टिकुलर मंत्रालय के संदर्भ में बात करूँ तो जब हमारी सरकार बनी तब हमको विरासत में 92,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे मिला था, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था कि रोड है तो गति है और गति है तो प्रगति है। कोई भी देश को प्रगति करना है तो रोड कनेक्टिविटी बेहतर करने की आवश्यकता होती है, और इस विषय को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा कि 8 साल में हमें 1,00,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाना है। पहले 67 ईयर्स में 92,000 किलोमीटर और आज 55 मंथ हुए हैं हमारी सरकार ने, हमने 40,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना दिया है। 53,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे ऑनगोइंग है जिसका काम चल रहा है। हम 2022 में 1,00,000 किलोमीटर नया नेशनल हाईवे बना के देश में नेशनल हाईवे का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। निश्चित तौर पर बेहतर कार्य हुए हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, आरोप ये भी लग रहे हैं कि काम कुछ नहीं कहूँगा। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी? लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के आधार पर चलती है। हमारे पास दो स्थिति हमारे फेवर में है। एक, भारतीय जनता पार्टी के पास 11 करोड़ कार्यकर्ता है और बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। दूसरा, हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है जो नेतृत्व को सारे देश ने तो स्वीकारा है। आज ही मैं रास्ता में अखबार में पढ़ रहा था, ताजे जो सर्वे हुए उसमें 83% लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होना चाहिए, और राजस्थान में भी 25 में से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। राजस्थान में 25 सीटें जीतेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाने के लिए पानी नदियों का है वो रोका जाएगा? वो देखिए, कल नितिन गडकरी जी ने स्पष्ट कर दिया, आज भी मैंने कहा, हमारे हिस्से का पानी जो अब तक रोका जाना चाहिए था, हमें 3 नदियां मिली, उनको भी 3 नदियां मिली, तो हमारे हिस्से का पानी भी पाकिस्तान जा रहा था, उसको रोकने के लिए उजपे बांध और दूसरा पंजाब में बांध और तीसरा रावी व्यास लिंक हमारा सेकंड, जिसमें 9 किलोमीटर टनल है, वो काम हमने हाथ में लिया। ये मोदी सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है, साहसिक निर्णय है और निर्णायक एक पहल है। ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मनसुख मंडाविया, जिनका कहना था कि मोदी सरकार के कार्यकाल में निश्चित तौर पर बेहतर कार्य हुए हैं, और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जो पाकिस्तान पानी जा रहा है उसको रोक कर पाकिस्तान पर दबाव है वो बढ़ाया जाएगा। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ संजय पारेख, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। भाजपा प्रदेश का